नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, और नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो दोस्तों ये है मूसा। मूसा ने एक बार रोशी का कर्जा उतारने के लिए जो कि 3 लाख था, अपनी माँ के दिए हुए जेवर जो कि उसने अपनी बहू के लिए बना रखे थे और वो इसी की दुल्हन बनने वाली है जनाब, उसकी मंगनियाँ रेडी हो चुकी और उसके लिए माँ ने जो जेवरात बनाए थे वो उसने मूसा को दे दिए कि आप ये बेच दो और 3 लाख रुपया जो है वो उसके मुंह पे दे मारे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मूसा जब दुकान से पैसे लेके निकलता है तो वही इरफान गुंडा जो है उसके बंदे उसको घेर लेते हैं और उसको बाइक से नीचे गिरा देते हैं, उसकी जेब से पैसे निकाल के फरार हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है जनाब, मूसा जो है वो बिस्तर पे पड़ जाता है। 3 दिन भी गुजर गए और अब परेशानी जो है मज़ीद बढ़ने लगी और ये गुंडा जो है वो अपनी अकड़ दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और आखिरकार जब 3 दिन गुजर जाते हैं और वो उसकी बहन उसको बताती है कि देखो इरफान उसको मोहलत दे दो, ऐसा ना हो तुम जो ज्यादती कर रहे हो उसका खमियादा तुम्हें भुगतना पड़े और तुम्हें ये पता नहीं है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है और उसने अपने घर में पंचायत बुला रखी है, तुम जाओ लेकिन ध्यान से। लेकिन जैसे ही इरफान को उसकी बहन ये बात बोलती है वो उसको जनाब गर्दन से मरोड़ के सोफे के ऊपर दे मारता है और फिर अपनी चाय उसको दे के वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो बदतमीजी के ऊपर उतर आता है तो उसके मालिक जो हैं वो पहुंच जाता है जनाब और उसने चेक निकाल के दिया कि अच्छा तुम वो गुंडे हो जिससे बुआ ने कर्ज लिया था, ये लो चेक, चाहो तो इसको डिपॉजिट करवा लो चाहे तो कैश करवा लो, जो तुमने 3 लाख दिए थे उससे कुछ ज़्यादा ही मैंने दिए हैं। और एक बात याद रखना, इसके बाद यहाँ बिल्कुल इस घर में तो क्या इस मोहल्ले में भी नजर ना आना क्योंकि DIG मेरे चचा हैं। इरफान को मुंह की खाना पड़े और वहां से दुम दबा के भागा। दूसरी तरफ इरफान की बहन रोशी को बता रही है कि अपना ख्याल रखना, ये उसको बताने के लिए आ गई। लेकिन रोशी जो है ये तो दिल ही दिल में क्या कुछ कर रही है। मालकिन की जगह खुद चाय लेके आ गई। जब उसने चाय दी तो मालक ने भी नहीं देखा कि ये मेरी बीवी है या उसने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसके उठने के बाद उसने ये सॉरी कहते हुए कि मैंने पहचाना नहीं था। लेकिन रोशी का कहना ये था कि कोई बात नहीं,